सिंदौर सीएम सिंदौर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ना सबको। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। ठीक है क्या संडे को जो जो उठ के आए हैं, दिनेश, शिखा, शिव, हरि, हृदयाल, सुरभि, अविनाश, अजय किशोर और खान बाबा, नागेंद्र, शिव और सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है क्या, रिमोट देना वहां से है ना। चलो देखो सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं। एक तो आज संडे है, तुम लोग उठ के आए हो तो तुम लोगों के लिए एक बेहतरीन सा कोट है आज। पंकज, ज्योति, सबको गुड मॉर्निंग। सुनील, गुड मॉर्निंग। ठीक है क्या, सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है ना। सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है, वो किसी की शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती, समझे। ऐसे तुम लोग शक्ल में फिदा नहीं हो जाते हो, वैसी सफलता का नहीं है। वो किसी की शक्ल वकल नहीं देखती, वो सिर्फ मेहनत देखती है। और तुम बस इसी तरीके से मेहनत करते रहो, धीरे 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 मेहनत करते रहो। तुमको पता भी नहीं चलेगा कि स्टडी टेबल से तुम कब ऑफिस टेबल तक पहुंच जाओगे, समझे। बस मेहनत करते रहो। ठीक है क्या, नहीं मिल रहा। ठीक है देखो आज कितनी तारीख है ना। गुड मॉर्निंग सभी को। सब स्ट्रगल पर डिपेंड करता है, बिल्कुल बिल्कुल। 25 जून है आज। 25 जून के दिन इतिहास में क्या क्या हुआ था ये हम फटाफट देख लेते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी उठा करो, अब कोई संडे मंडे ट्यूसडे मत देखो, ठीक है। संडे मंडे ट्यूसडे अब जिंदगी को बर्बाद कर देगी, कुछ मत देखो, सिर्फ तैयारी करते रहो। जिस दिन तुम्हारी जॉब लग जाएगी उसके बाद तो तुमको आराम ही आराम है। ठीक है क्या, 1529 को आज के दिन मुगल शासक बाबर बंगाल पर विजय प्राप्त करके अपनी राजधानी आगरा लौटा था। उसके बाद 1950 में आज के दिन उत्तर दक्षिण कोरिया के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया था। तुमको पता होगा उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में अभी भी कुछ भी ठीक नहीं है। जब भी उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया को डराना होता है, यूएसए को यानी अमेरिका को, तो क्या बोलता है, मैं दक्षिण कोरिया में बम मार दूंगा, समझ गए क्या, वो ऐसा बोलता है। 1947 में आज के दिन एन फ्रैंक की डायरी आज ही के दिन प्रकाशित की थी। एन फ्रैंक को जानते हो, एक लड़की थी, एक छोटी सी लड़की थी, उसने डायरी लिखी थी। वो डायरी बहुत ज्यादा चर्चित है, किसी दिन उस डायरी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। 2009 में आज के दिन करोड़ों के चहेते माइकल जैक्सन की मृत्यु हुई थी। और तुमको मैं बताना चाहूंगी माइकल जैक्सन के बारे में, जिस दिन माइकल जैक्सन की मृत्यु हुई थी ना और उनके शव को ले जाया जा रहा था, बोला जा रहा था दुनिया में ये पहली ऐसी अंतिम संस्कार पर ले जाने वाली यात्रा है ना, शोक यात्रा कहते हैं उसको, जिसमें इतने लोग शामिल हुए हैं। उससे पहले ये रिकॉर्ड कभी नहीं बना था कि इतने लाखों लोग शामिल हो गए थे उसमें, ठीक है। मोनिका, संजू और मुकेश अंबानी, रानी है ना, धर्मेंद्र, ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। देखो अब अपन लोग फटाफट आज अपन जो एक हफ्ते के जो करंट अफेयर है वो फटाफट कर लेंगे, साथ में बहुत सारे फैक्ट्स देखेंगे, जिससे तुम्हारा जो जीके है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। करंट अफेयर तो फिर तुम्हारा स्ट्रांग आ रहे होते, फिर क्या ही टेंशन है ना। चलो ठीक है। एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बिल्कुल पूछा जा सकता है, पहली भारतीय तलवारबाज है, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, ध्यान रखना। इनका नाम भवानी देवी है, ये इनकी फोटो है, ये पहली बार इन्होंने जीता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, मध्य प्रदेश में क्या किया जाएगा, ये एक हफ्ते पहले का है, इसीलिए इसमें क्या किया जाएगा लिखा है। आयोजन हो चुका है, कितनी तारीख को आयोजन हुआ है, 21 जून को आयोजन हुआ है, मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है, अगर तुमसे पूछा जाएगा अब तो तुमको रट जाना चाहिए कि जबलपुर में हुआ है। मैंने इतनी बार बताया है योग दिवस हमने कहाँ मनाया है, मध्य प्रदेश में जबलपुर में मनाया है। और अगर मैं जबलपुर की बात करूं तो यहाँ पर चीफ गेस्ट किसको बुलाया गया था, चीफ गेस्ट थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। निशा गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, देखो नेक्स्ट है, किस कंपनी ने विमानन इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है, विच कंपनी प्लेस लार्जेस्ट एवर ऑर्डर इन एविएशन हिस्ट्री, हिस्ट्री बना दी है ना, आज तक के इतिहास में इतना बड़ा ऑर्डर किसी ने नहीं दिया है। ये ऑर्डर दिया गया है एयरबस कंपनी को, एयरबस कंपनी को इंडिगो ने दिया है, इंडिगो ने ये ऑर्डर दिया है। और इंडिगो ने 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, 500 प्लेन का ऑर्डर दिया है। क्या नील लिखा गया, देखो वो उसको भी वो ट्रांसलेट कर दिया है, ठीक है क्या। इसका आंसर क्या होगा, इंडिगो, ठीक है। इंडिगो ने आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है, याद रखना इसको, है ना, नील नदी। चलो गुड मॉर्निंग अभी सूर्या, है ना। नेक्स्ट, किस फुटबॉल टीम ने हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है, हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल क्लब, इसका मतलब हीरो अगर लगा हुआ है किसी में तो हीरो तुम क्या मानोगे इसको, फुटबॉल मानोगे क्योंकि मैं बता रही हूँ, है ना, क्यों मानोगे क्योंकि मैं बता रही हूँ, फुटबॉल कप होता है ये, हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल क्लब।
इस बार क्या पूछा गया था, इस बार पूछा गया था कि सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है। सुनील छेत्री भी इस खेल में शामिल थे, क्लब क्लब कर रही हूँ, कप है वो कप, ठीक है क्या। चलो हाँ, लेबनन को हरा कर बिल्कुल भारत ने जीता है ना। अच्छा आप कलिंगा स्टेडियम कहाँ पर है अगर तुमसे पूछ ले कोई, क्या बताओगे? कलिंगा स्टेडियम ये कहाँ पर है, ये तुम्हारा ओडिशा में स्थित है, ठीक है। वहां पर एक और स्टेडियम है बिरसा मुंडा स्टेडियम, उसके बारे में पूछा जाता है ना। चलो सबको गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश को शीर्ष राज्य के रूप में राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसने प्रदान किया? जगदीप धनखड़ ने प्रदान किया। किसने प्रदान किया? जगदीप धनखड़ ने। भारत भारत के मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार इसलिए मिला है क्योंकि हमने पानी का संरक्षण बहुत बेहतरीन ढंग से किया है ना। मध्य प्रदेश का नाम आया तो इंदौर का नाम पीछे कैसे रह सकता है। जिलों को अगर देखा जाए तो जिले वाइज अगर देखा जाएगा तो इंदौर की भी रैंकिंग काफी अच्छी है यहाँ पर, है ना। चलो गुड मॉर्निंग अवधेश, उठ गए यार तुम लोग, क्या बात है। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन है? मैक्स वर्स्टेपन। मैक्स वर्स्टेपन कहाँ के हैं अगर तुमसे पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे? ये तुम्हारा बेल्जियम के हैं। मैक्स वर्स्टेपन ने जीता क्या है? कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स। ग्रैंड प्रिक्स जीता है यानी कि ये क्या चलाते होंगे? मोटर गाड़ी चलाते होंगे, ये ध्यान रखना है तुम्हें। लुइस हैमिल्टन का नाम मैं हमेशा तुम लोग को याद दिलाती हूँ। लुइस हैमिल्टन ने बहुत सारे खिताब जीते हुए हैं, ये भी मोटर गाड़ी चलाते हैं, ये क्या चलाते हैं? मर्सिडीज चलाते हैं, ठीक है। सूरज राठौर प्रणाम बेटा, है ना। चलो कपिल गुड मॉर्निंग, ठीक है। सर्बियन लेडी डांस करके लड़कों को क्यों मार रही है? गुरु माँ यूट्यूब में देखा क्या? पता यार मैंने तो नहीं देखा, तुम ही लोग देखते हो भाई साहब, मैंने तो नहीं देखा कहीं YouTube में। YouTube में कुछ अच्छा भी देख लिया करो, है। चलो वो देखा रशिया के, रशिया में जो हो रहा है वो देखा कि नहीं देखा? कि वहां पर तख्ता पलट जैसी सिचुएशन हो गई है, है? एक ग्रुप ने वहां पर विद्रोह कर दिया है, ये देखा कि नहीं देखा? पुतिन जी टेंशन में आ गए हैं अब, क्यों ये नहीं देखा होगा? गुड मॉर्निंग आयम भूत बसिया, सबको गुड मॉर्निंग, है ना। चलो बैंकॉक विजन 2023 किस संगठन से संबंधित है? बिम्स्टेक से संबंधित है। बिम्स्टेक एक संगठन है, ठीक है। इस संगठन में भारत समेत भारत के पड़ोसी देश जो है, नेपाल है, बांग्लादेश है, ये सारे देश इसमें शामिल है। बिम्स्टेक का मुख्यालय अगर तुमसे पूछ लेगा तो सीधा बोल देना ढाका में मुख्यालय है। ढाका किसकी कैपिटल है बेटा? बांग्लादेश की कैपिटल है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है बेटा? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना है। ये मैं तुम लोगों को क्यों बता रही हूँ, वो इसलिए बता रही हूँ, अभी एक पेपर हुआ था उसमें बांग्लादेश के राष्ट्रपति के बारे में पूछ लिया था, शाहबुद्दीन चप्पू, ठीक है, उनके बारे में पूछ लिया था। सुप्रभात किरण। देखो अब नेक्स्ट देखो, भारतीय राष्ट्रीय वाचन दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी कि नेशनल रीडिंग डे। रीडिंग करना किसको किसको पसंद है? पढ़ना लिखना पसंद है क्या? पढ़ना लिखना पसंद है तो उसी इसी को जो है क्या कहते हैं, उसी को डेडिकेटेड एक दिन मनाया जाता है जिसको रीडिंग डे कहा जाता है। कब मनाया जाता है? तो 19 जून को मनाया जाता है। गुड मॉर्निंग नरेश, ठीक है। नेक्स्ट देखो, महोत्सव देख लेते हैं फटाफट। भारत में अलग अलग राज्यों में महोत्सव मनाए जाते हैं, मेले मनाए जाते हैं, मेले अरेंज किए जाते हैं, मनाए नहीं जाते हैं, अरेंज किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं तुमको बताऊं कौन कौन से, देखो बहुत सारे हैं, उसमें से अपन कुछ देख लेते हैं फिर कुछ कल देख लेंगे, है ना। काला घोड़ा महोत्सव ये मुंबई में मनाया जाता है। मुंबई में एक जगह है, एक चौक है, चौक होता है ना, जैसे महात्मा गांधी चौक हो गया, इंदिरा गांधी चौक हो गया, वैसा ही मुंबई में एक चौक है। वहां पर काले कलर के घोड़े की स्टैचू है, समझ गए? ऐसा कोई बहुत खास कोई बात नहीं है, काले रंग के घोड़े की एक स्टैचू है, तो वहीं पर एक महोत्सव मनाया जाता है जिसको बोलते हैं काला घोड़ा महोत्सव। ये मुंबई में मनाया जाता है, इसके बारे में अभी क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्या है, बोनालो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना की बात आई है तो अपन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि तेलंगाना बना कब? 2014 में बना था। किससे अलग होके बना था बेटा? आंध्र प्रदेश से अलग होके बना था। जितने लोग डेली क्लास अटेंड करते हो वो लोग कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना, तेलंगाना कब, क्योंकि मैं इतनी बार तुम लोग को रटा चुकी हूँ कि शायद ही अब तुम भूलो उसको। लोसर त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, अभी कुछ ही समय पहले वो इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। चलो गुड मॉर्निंग पवन। हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल है ना, शिमला है और धर्मशाला है। धर्मशाला में अगर तुम कभी घूमने जाओगे ना, वहां पे तुमको बुद्धिस्ट लोग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि तिब्बत से जब दलाई लामा भारत चले आए थे 1959 में, उस समय पर दलाई लामा कहाँ पर अपना ऑफिस बनाए थे? वो धर्मशाला में ही अपना ऑफिस उन्होंने बनाया था। बोला जाता है उसको गवर्नमेंट इन एग्जाइल, वहीं से वो अपनी सरकार चला रहे हैं। बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग वहां तुमको मिलेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग रवि, है ना।
चलो सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। लाई हराओबा त्योहार, लाई हराओबा त्योहार, लाई समझ गए, कहां से लाई, त्रिपुरा से लाई, क्या लाई, क्या लाई, हीरा लाई, समझे, ऐसे याद कर लेना, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। लाई हराओबा त्योहार जो है ये तुम्हारा थोड़ा नाम ही अलग लग रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट साइड का तुम लोग देख लेना। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। एक तो फल पाया जाता है भारत में, देखना, एक गुलाबी कलर का फल पाया जाता है, उसको ड्रैगन फ्रूट बोलते हैं, यहाँ भी मिल जाता है, मैंने देखा था, यहाँ भी मिल जाता है, ठीक है। ड्रैगन फ्रूट जो है लोसर लद्दाख में भी और हिमाचल में भी मनाया जाता है बेटा। कुछ ऐसे त्योहार होता है ना जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मनाया जाता है, काफी सारे जगहों में, तो ये हिमाचल में भी मनाया जाता है, ठीक है। तो ड्रैगन फ्रूट उसको बोला था, उस फ्रूट का नाम चेंज करके कमलम कर दिया गया है। पता है क्यों कर दिया गया है, क्योंकि हम लोग चाइना को ड्रैगन बुलाते हैं इस वजह से, है ना। पुतिन बाबा गुड मॉर्निंग, है पुतिन बाबा, क्या चल रहा है तुम्हारे रशिया में, तख्ता पलट होने वाला है ऐसा कुछ नजर में आ रहा था, लेकिन पुतिन ने उस विद्रोह को दबा दिया मैंने सुना। नागेंद्र थैंक्स बेटा, है ना। धीरज गुड मॉर्निंग, बताओ जरा क्या चल रहा है पुतिन बाबा। डोनाल्ड ट्रंप को भी बुलाओ, वो भी आते हैं हमारे क्लास में। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अंबुवाची मेला असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है तुम्हारा पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। नुआ खाई ये ओडिशा में मनाया जाता है, और ओडिशा से हमारी अभी की राष्ट्रपति संबंधित है, उनका जन्म ओडिशा में ही हुआ था और वो झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव, ठीक है। एसपी कोचिंग जगह नहीं है, ये तो इंग्लिश कंटेंट देखो पूरा इंग्लिश है, कैसी बात कर रहे हो, आया तो ये देखो आया ना। विच चलो इंग्लिश में पढ़ती हूँ, विच कंट्री इज द विनर ऑफ यूईएफए नेशंस लीग 2022-23, ठीक है। यूईएफए नेशंस लीग 2022-23 का विजेता कौन बना है, स्पेन बना है। स्पेन की कैपिटल क्या है, मैड्रिड है। स्पेन की कैपिटल क्या है, मैड्रिड है, ठीक है। फ्रॉम हरियाणा गुड मॉर्निंग, है ना, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है, याद रखना। स्पेन और मोरक्को के बीच में तुम्हारा दुनिया का सबसे बिजी स्ट्रेट है, स्ट्रेट जल डमरू मध्य बोलते हो शायद तुम लोग इसको, इसको स्ट्रेट भी बोलते हैं इंग्लिश में, और इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। क्या नाम है इसका, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की है, कर्नाटक की राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की है। क्या करेगी इसमें, क्या करेगी इसमें, बिजली मुफ्त दे रही है या घर दे रही है, ये बताओ, बिजली मुफ्त दे रही है या फिर घर दे रही है। मध्य प्रदेश ने किस, अच्छा शक्ति योजना भी कर्नाटक की सरकार ने शुरू की, अभी एग्जाम्स होने वाले हैं तो बिल्कुल इसको ध्यान रखना। शक्ति योजना में लड़कियों के लिए फ्री बस सेवा शुरू करी गई है कर्नाटक में, कर्नाटक के मुख्यमंत्री अभी अभी नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है सिद्धारमैया। वहां पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है DK शिवकुमार, ठीक है। चलो फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ पाता हूँ, अच्छा एक एक बार पूरा, ये रिवीजन ही तो करवा रही हूँ। गुड मॉर्निंग विवेक, मध्य प्रदेश के किस जिले में जगन्नाथ मेले का आयोजन होता है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश ऑर्गेनाइज जगन्नाथ फेयर, अभी हाल ही में जगन्नाथ में बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है, यहाँ पर 700 कहा जा रहा है, 700 से भी ज्यादा कुछ ऐसा है कि महाप्रसाद बन रहा है, कुछ ऐसा ही मैंने कल पढ़ा था, है ना। और साथ में तुम्हारा वो झंडे वाला किस्सा है, मैंने तुम लोगों को कल बताया था, सोने की कुल्हाड़ी से काटा जाता है पेड़ जो है, जब रथ को बनाया जाता है, उसके बाद रथ को शुरू करने से पहले उससे सोने की झाड़ू से झाड़ू लगाया जाता है वहां पर आगे में, उसके बाद रथ चलती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, 23 जून, कल ही हमने पढ़ा इसके बारे में, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, है ना, जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है, जो सरकारी ऑफिसर जो लोगों के लिए काम करते हैं, ठीक है क्या। चलो नेक्स्ट देखो, हाँ वहां का जो क्या कहते हैं वो झंडा है मंदिर के ऊपर का, वो हवा के उल्टी दिशा में उड़ता है, ठीक है। अच्छा पता है ये भी बोला जाता है कि उस मंदिर के चौखट में जैसे तुम पैर रखोगे ना, जैसे ही पैर रखोगे तुमको जो है बाहर की समुन्द्र की लहरों की आवाज आनी बंद हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी, जबकि वो समुद्र के किनारे ही है मंदिर, ज्यादा दूर नहीं है, और अंदर तुमको कोई आवाज नहीं आएगी चौखट में पैर रखते साथ। लेकिन तुम जब अंदर जाओगे तो आवाज तो आएगी नहीं, पर बाहर जब आओगे ना, वापस तुम जब चौखट के बाहर एक पैर रख दोगे फिर तुमको लहरों की आवाज आनी शुरू हो जाएगी, कुछ ऐसा पता नहीं, अलग ही रहस्य है उस मंदिर का, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, किस देश ने 1200 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए चीन के साथ $4.8 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये वही देश है जो टेररिस्ट लोगों की खेती करता है,
तो इसके बारे में ज्यादा कुछ हमको जो है सोचने की जरूरत है ही नहीं, पाकिस्तान है ये, पाकिस्तान, ठीक है। हाँ, यूपीएससी 315 आर्टिकल, यूपीएससी डे 21 जून, ठीक है। चलो, वन व्यू लॉन्च करने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बन गया, एक्सिस बैंक बन गया जिसने वन व्यू लॉन्च करा है। नेक्स्ट है, आईओसी के ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है। आईओसी क्या होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, जो ओलंपिक खेल का आयोजन करवाती है, जिसके चेयरमैन का नाम है थॉमस बैच, ठीक है। दुनिया का पहला ओलंपिक खेल कहां पर खेला गया था, ग्रीस में खेला गया था, ग्रीस के एथेंस में। और कब खेला गया था, 1896 में खेला गया था बेटा। और हमने कब भाग लिया था, भारत में, भारत पहली बार कब शामिल हुआ था ओलंपिक खेलों में, ये पूछा जाएगा, तो क्या बोल दोगे तुम, बोल देना कि मैडम ने बताया है कि 1890 में शामिल हुआ था भारत, ठीक है क्या, सॉरी, हाँ 1896 नहीं, ये मत बोलना, 1900 में शामिल हुआ था, ये मत बोलना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है, बोलेंगे कि तुम्हारी मैडम गधी है। 1900 में शामिल हुआ था। आराध्या गुड मॉर्निंग, है ना, बागेश्वर धाम सरकार गुड मॉर्निंग। किस कंपनी को भारत के सबसे अच्छा, इनको क्यों दिया गया है, मैंने कल बताया था, कोरोना के टाइम पे भी इन्होंने ओलंपिक का गेम करवा दिया था, कहां पर, टोक्यो में 2020 में, इस वजह से इनको दिया गया है, ठीक है। चलो, किस कंपनी को भारत के सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड के नाम, ब्रांड के रूप में नामित किया गया है, टाटा पावर को। अच्छा, तुम लोगों को पता है, कल एक न्यूज पढ़ा मैंने, कुछ दिन पहले का न्यूज था, तुमको सुन के आश्चर्य होगा। तुम लोगों को मैं इसीलिए बोलती हूँ, खूब पैसे वाले बनो, खूब सक्सेसफुल बनो, अभी सिर्फ सक्सेसफुल बनने पर ध्यान दो, फालतू चीजों पर ध्यान मत दो। कल रॉबर्ट ब्राउनी को जानते हो तुम लोग, रॉबर्ट डाउनी को जानते हो, वो आयरन मैन है ना, आयरन मैन हॉलीवुड के, उनका थूका हुआ च्युइंगम 45 लाख रुपए में बिका है। इससे ज्यादा और किसी को क्या बोलोगे तुम, अगर तुम सक्सेसफुल बन जाते हो, तुम सोच लो, तुम्हारी थूकी हुई चीज भी 45 लाख में बिक रही है, बताओ। उनकी थूकी हुई च्युइंगम जो हम लोग फेंक देते हैं, जो हमारे पैर में चिपक जाती है, उसको निकाल के फेंक देते हैं हम, है ना, वो बिकी है, कितने बिकी है, 45 लाख रुपए में, समझ रहे, कीमत देखो तुम, कीमत है ना, जब पैसे वाले बन जाओगे ना, तुम्हारे बात की भी कीमत होगी, चाहे तुम कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी बोलते रहो, लोग चुपचाप बैठ के सुनेंगे, है ना, बकवास भी करोगे तो लोग उसको खुशी से सुनेंगे, समझ गए क्या, ऐसा हुआ है, ठीक है। रॉबर्ट डाउनी है उसका नाम, और वो क्या है, हॉलीवुड के बहुत जाने माने, पहले वो ड्रगी थे, मतलब बिल्कुल ड्रग्स में बिल्कुल लीन, 8 साल की उम्र से वो ड्रग्स लेना शुरू कर दिए थे, ऐसी स्थिति थी। लेकिन देखो, आज पहली बीवी उनको छोड़ के चली गई थी, अभी दूसरी शादी करी थी, अब तो बढ़िया चल रहा है उनका, है ना, 45 लाख रुपए, समझे। इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, फ्रॉम डिपेंडेंस टू इमरजेंसी के लेखक कौन है, अशोक भट्टाचार्य। एक्स खान क्वेस्ट 2023 अभ्यास किस देश में आयोजित हुआ, जहां भारतीय सेना ने भाग लिया है, मंगोलिया में आयोजित हुआ है। समझ गया, आज हम भी चिंगम खाएंगे, फेंक देंगे उठा के, लोग किसी के बालूल में चिपक जाएगा तो मार और देगा तुमको, इसीलिए तो बोल रही हूँ सक्सेसफुल बनो, सक्सेसफुल बनोगे तो ही ये सब चीजों की कीमत होगी, अभी तुम्हारे बात की कीमत नहीं होगी बेटा, कुछ भीड़ में जाके बोलोगे तो लोग बोलेंगे कि अरे क्या बोल रहा है। जिस दिन तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, उस दिन तुम भीड़ में खड़े होगे, कुछ भी अंडरस्टैंड अनाप शनाप बको सब सुनेंगे, समझ गए। देखो यहाँ पर, मेजर डैम, भारत में बड़े बड़े डैम से बड़े बड़े बांध है, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये बांध किस नदी पर है, कौन से राज्य में है, ये पूछना बहुत कॉमन हो गया, अब नहीं पूछेगा, ठीक है। पुष्पा भाऊ गुड मॉर्निंग। तो भाखरा नंगल बांध जो है ये सतलज नदी पर है, बगलियार बांध जो है ये चेनाब नदी पर है, कृष्ण राज सागर बांध जो है ये कावेरी नदी पर है, मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर है, मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है, तेहरी बांध तुम्हारा भागीरथी नदी पर है, भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनाती है बेटा, देव प्रयाग बनाती है, ध्यान रखना इसको। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है, हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा में स्थित है, भारत का सबसे लंबा बांध है, महानदी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है, और गांधी सागर बांध तुम्हारा चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है क्या। चलो, आधे स्टूडेंट का आज सो रहे हैं ना बेटा, आज संडे है, संडे को सोएंगे, तभी तो पेपर जब आएगा तो बोलेंगे ओ माय गॉड हो गए हम, अभी थोड़ी तुम लोगों को सोना है यार, अभी बेहतरीन ढंग से तैयारी करो। बोला ना मैंने, ऑफिस टेबल पे, स्टूडेंट टेबल से तुमको ऑफिस टेबल तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी, बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी करो, ठीक है। महासभा के अध्यक्ष कौन है, देखो यहां पर तुम लोग कर जाओगे गलती, बच्चे लगा देंगे एंटोनियो ग्यूटेरेस,
और बहुत टशन में बाहर आएंगे कि हो गया हमारा तो सिलेक्शन, ये नंबर पक्का। बाहर आके देखेंगे कि इसका आंसर था कसावा कोरोसी। इसीलिए बता रही हूँ संयुक्त राष्ट्र के अलग है, संयुक्त राष्ट्र के अलग है, और ये संयुक्त राष्ट्र की एक बॉडी है, एक निकाय है जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, मेन मेन जो निर्णय है वो यही लेती है। तो ध्यान रखना इसके जो चेयरमैन है उनका नाम कसावा कोरोसी है, संयुक्त राष्ट्र के चेयरमैन का नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, बारिश हो रही है। प्रति जायसवाल गुड मॉर्निंग। निम्नलिखित में से किसने उपग्रह सत्रिया लॉन्च किया है ना, लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने। स्पेसएक्स के मालिक का क्या नाम है, पूरी दुनिया को पता है, 2002 में ये कंपनी बनी थी। इनके मालिक का नाम क्या है, इनके मालिक का नाम है इलॉन मस्क। और टेस्ला जो कंपनी है, टेस्ला कंपनी के मालिक का नाम भी इलॉन मस्क है। ठीक है, रो यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का गठन किस वर्ष हुआ था, 1968 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का गठन हुआ था। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी देश किसी को भी जासूस बना के किसी दूसरे देश में भेज रहा है, वहां की सरकार भेज रही है, तो अगर वो जासूस बेटा पकड़ा जाता है ना, चाहे वो उस देश को कितने भी डॉक्यूमेंट दे दे, कितना भी हेल्प कर ले, कितनी भी अपनी जान को जोखिम में डाल के हेल्प कर दे, लेकिन उस इंसान का जो उस इंसान के बारे में जो है वो देश कभी भी स्वीकार नहीं करता है कि ये हमारा आदमी है, ना तो कभी उसको छुड़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि ये पता चल जाए कि उसने जासूस भेजा था। इसीलिए बोला जाता है दुनिया में अगर जासूस की जो जिंदगी है, अगर जासूस की जिंदगी को देखो तो वो सबसे खराब जिंदगी होती है। वो करता तो बहुत कुछ है देश के लिए, लेकिन कभी बता नहीं सकता कि मैं जो है मैं स्पाई हूं, मैं अपने देश के लिए इतना काम कर रहा हूं, उसके जितना काम कोई नहीं करता है ना। लेकिन ऐसा हो जाता है और उनको मार भी दिया जाता है, पता है, उनको मार भी दिया जाता है ना, उनको छोड़ा नहीं जाता ऐसे। इंटर सोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी किस स्थान पर आयोजित हुई, तो म्यूनिक में आयोजित हुई। म्यूनिक कहाँ पर है, ये जर्मनी में है, ये तुमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक ए लाइफ वेल स्पेंट फॉर डेकेड्स इन इंडियन फॉरेन सर्विस। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सतीश चंद्र ने ये किताब लिखी थी। ये किताब वगैरह तुम लोग थोड़ा सा देख लिया करो, है ना। गुड मॉर्निंग अमे बेटा। राष्ट्रीय खेल 2023 का शुभारंभ जो हुआ है उसके जो शुभंकर बनाए गए हैं, एक मैस्कट, शुभंकर मतलब मैस्कट होता है। ठीक है, मैस्कट मतलब किसी भी चीज को जो दर्शाता है, जो रिप्रेजेंट करता है, उसको मैस्कट बोलते हैं। तो इसका, इस मैस्कट का नाम है मोगा। मोगा क्या है, मोगा एक जानवर है, बड़ी बड़ी सींग वाला, मेगा नहीं, मोगा। अब है गुड मॉर्निंग, है ना। चलो, मूड ऑफ नहीं, मेरा मूड कभी ऑफ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलो, भारत में कितने जल निकाय हैं जिनकी गणना पहली बार की गई है। यहाँ पर भारत में देखो, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख, 10 लाख, कितने हो गए, 24 लाख, कितने हो गए, 24 लाख। ठीक है, चलो जी मैम, कुछ बुल जैसा, हाँ कुछ बुल जैसा। ठीक है, मोगा दिखाओ, अरे दिखाया था तुम लोग को, इसीलिए मैं तुम लोग को देखना पीडीएफ खोल के देखना, अभी कुछ दिन पहले का मैंने तुम लोग को एकदम बड़ी फोटो दिखाई थी मोगा की। ठीक है, राकेश मास्टर किस क्षेत्र से जुड़े थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, नृत्य कला से, यानी कि ये कोरियोग्राफर थे। प्रमुख शहरों के उपनाम, निक नेम्स देख लेते हैं फटाफट, कौन से शहर का निक नाम, निक नेम क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, उपनाम बोलते हैं ना तुम लोग, अपनी बाबू बेबी सोना बुलाते हैं ना, वैसे ही कुछ शहरों के भी उपनाम है। ठीक है, अभी बाबू बेबी सोना से हटके थोड़ा सा शहरों के उपनाम को भी याद कर लो, जो है तुम्हारे एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है ना, लखनऊ को क्या बोला जाता है, नवाबों का शहर बुलाता है। नवाबों से मुझे एक कोट याद आता है, वो मेरे को अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। हाँ, खैरात में मिली हुई खुशी पसंद नहीं हमें। ठीक है, खैरात में मिली हुई खुशी पसंद नहीं हमें, क्योंकि हम गम में भी नवाबों की तरह जीते हैं। समझ गए, चलो, तो गम में भी नवाबों की तरह जीने वालों, थोड़ा इसको पढ़ लो, तुम्हारा क्या है, पेपर भी निकल जाएगा, है ना। देखो यहाँ पर, कलकत्ता को क्या बोला जाता है, महलों का शहर बोला जाता है। कलकत्ता को क्या बोला जाता है, महलों का शहर बोला जाता है। शिलोंग को भारत का स्कॉटलैंड बोला जाता है। शिलोंग कहाँ पर है, शिलोंग मेघालय की कैपिटल है। ठीक है, शिलोंग क्या है, मेघालय की कैपिटल है। इसको क्या बोला जाता है, भारत का स्कॉटलैंड बोला जाता है। अमृतसर को गोल्डन सिटी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर स्थित है। जब भी स्वर्ण मंदिर के बारे में हमको ध्यान आता है, हम ऑपरेशन ब्लू स्टार को याद करते हैं। जब इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया था, उस समय पर एक आतंकवादी को गोल्डन टेम्पल से खींच के बाहर निकाला गया था। उसके बाद जो है उसका तो जो हुआ सो हुआ। इंदिरा गांधी जी की भी बाद में जो हत्या की गई वो भी ब्लू स्टार से ही जोड़ा जाता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से ही हुआ था, है ना।
चलो यहाँ पर सूरत को डायमंड सिटी बोला जाता है। एक और चीज याद दिला देती हूँ, सूरत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड पाया है। क्यों वर्ल्ड रिकॉर्ड पाया है? तो 21 जून जो योगा डे था ना बेटा, 21 जून को 1.5 लाख लोग यहाँ एक जगह पर योगा करते पाए गए हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर नहीं गई हो? अरे गई हूँ ना, जम्मू कश्मीर गई हूँ मैं, लेकिन जब मैं गई थी तब वहां की स्थिति बहुत अच्छी थी। जैसे ही मैं आई, दो दो साल के बाद वहां पर बहुत बुरी स्थिति हो गई, वहां पर आपदा आ गई थी, पता होगा तुम लोगों को, पूरा उजड़ गया था जम्मू कश्मीर, है ना। तब मुझे लगा नहीं जाना चाहिए था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नागपुर, ऑरेंज सिटी, नागपुर को क्या बोलते हैं? ऑरेंज सिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी बोलते हैं, हैदराबाद को मोतियों का शहर बोलते हैं। हैदराबाद को बसाने वाले इंसान का नाम क्या था? कुली कुतुब शाह। ठीक है, नेक्स्ट है ऋषिकेश, ऋषिकेश को योग सिटी बोलते हैं। और अच्छा, ये योग सिटी को याद रखना, हाँ, पांच पांच नदियों की भूमि पंजाब को बोलते हैं, योग सिटी को याद रखना। वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस बार योगा बहुत बड़े लेवल पर हुआ है। ठीक है, योग सिटी ऋषिकेश को बोलते हैं। मसूरी को क्या बोलते हैं? पर्वतों की रानी बोलते हैं। अगर कोई यूपीएससी पास करता है तो उसके बाद आईएएस की ट्रेनिंग उसकी मसूरी में होती है ना। अगर कभी तुम लोग भी अगर दोगे पेपर तो तुम लोग भी डायरेक्ट मसूरी जाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ, अभी जब तक पेपर नहीं हो रहे हैं, जब तक हाथ में नौकरी नहीं आ रही है, तब तक एक ही कसम खा के तुम लोग को चलना है कि ना इश्क होगी ना इश्क की बात होगी। ठीक है, ना इश्क होगा ना इश्क की बात होगी, जो भी होगा सिलेक्शन के बाद होगा। ठीक है, या फिर इसको अगर ऐसे बोलो, ना इश्क होगा ना इश्क की बात होगी, जो भी होगी सिलेक्शन के बाद होगी, ये ज्यादा मैच कर रहा है। ठीक है, होगा होगी डिफरेंस जो हो जाता है ना, वो मैच नहीं करता है। तो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना, इश्क इश्क विश्क के चक्कर में जो है ये सारी चीजें अपनी खराब कर लोगे तुम लोग। नेक्स्ट देखो, पुरुषों के कंपाउंड फाइनल तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अभिषेक वर्मा ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। आपने कभी दिया है? नहीं, अभी तक तो नहीं दिया है। कुछ तो आईएएस के पद से रिजाइन भी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल 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 दे रहे हैं, लेकिन वो भी आगे कुछ सोच के ही कर रहे हैं ऐसा, आगे चल के जिंदगी में वो भी जो है बहुत बड़े इंसान बनते हैं। तुमने विकास दिव्य कीर्ति सर को देखा होगा, उन्होंने भी आईएएस के पद से रिजाइन किया था, है ना। सिलेक्टेड आईएएस ऑफिसर है वो बेटा। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक लड़का कह रहा है कि विकास दिव्य कीर्ति सर को तो सर बोलने में हमें शर्म आती है, वो बिजनेसमैन हो गए। भैया वो सर बोलने में तुमको शर्म आ रही है? तुमको उनका बैकग्राउंड नहीं पता है? आईएएस अधिकारी थे वो, आईएएस अधिकारी, और उन्होंने रिजाइन किया है। पहले वहां तक पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद जाके तुम डिसाइड कर पाओगे कि तुमको उनको सर बोलना है या नहीं बोलना है। अभी वो इतने आईएएस बना चुके हैं ना कि तुम उस बीच खड़े भी नहीं हो सकते हो, पता है, और उनके बारे में बोला है ना। हाँ चलो, तो वो उनसे तुम प्रेरणा ले सकते हो। आईएएस अधिकारी अगर इस्तीफा दे भी रहे हैं तो वो आगे चल के बहुत बड़ा कुछ करते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, जब तक नौकरी नहीं तब तक छोकरी नहीं, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चलो, वैसे भी देखो कोई अच्छी छोकरी देगा भी नहीं कोई बाप, जानते हो, जब तक नौकरी नहीं करोगे। दिक्कत यह है ना कि हर बाप को चाहिए कि उसकी बेटी को राजकुमारी मिले, समझ गए, हर बाप को चाहिए, और ये सही भी है। ठीक है, आदित्य L1 मिशन के लिए भारत द्वारा कौन सा टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है? SUIT नाम का टेलीस्कोप लॉन्च किया गया। अंतरराष्ट्रीय यो आदित्य L1 मिशन बहुत ज्यादा चर्चा में है बेटा, ध्यान रखना। आदित्य L1 जो मिशन है ये सूरज से संबंधित है। सूरज के पास जाकर ये क्या करेगा, ये पूरा डेटा इकट्ठा करेगा कि सूरज का जो टेम्परेचर है वो कैसा रहता है, सूरज में अगर कोई स्टॉर्म आ रहा है यानी तूफान आ रहा है तो वो किस तरीके से धरती को प्रभावित करता है, ये सारी चीजें यहाँ पर है ना दिखाएंगी। राजकुमार मिले मैम? नहीं नहीं नहीं। चलो देखो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग। ठीक है, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। मुझे जरूरत ही नहीं है राजकुमार की, मैं खुद ही राजकुमारी हूँ, अकेली रह लूंगी मैं। चलो देखो यहाँ पर है ना, किस राज्य ने पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना शुरू की है? झारखंड ने शुरू की है। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है, इश्क बकवास नहीं है। एक आईएएस ने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया था, उसकी वजह वो कहीं कहीं होता है बेटा, ऐसा कहीं कहीं होता है आजकल इश्क के पीछे। कल मैंने एक वीडियो देखा भंवर कुआ का, भी मैं तुमको बता रही हूँ। देखो छोटे छोटे दो बच्चे हैं, होंगे कितने 17-18 साल के होंगे, ज्यादा उससे ज्यादा उम्र नहीं होगी। यही भंवर कुआ चौराहे पे बारिश में दोनों जने डांस कर रहे हैं, यू डांस कर रहे हैं, और वीडियो हो गया वायरल, उनको पता ही नहीं कि बनाया किसने, ये चला। तुम मुझे ये बताओ कि 16-17 साल के जो बच्चे हैं जो इश्कबाजी कर रहे हैं, ये कब बनेंगे आईएएस अधिकारी? अब मुझे ये बताओ, ये मैच्योर लोगों का खेल होता है बेटा, ये मैच्योर लोग, जो तुमने बोला ना, ये मैच्योर लोग इतना सोच लेते हैं कि लड़की के लिए मैं आईएएस बन जाऊंगा। ठीक है,
ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, एक वो वाला आईएएस होता है और एक ये होता है कि तुम मुझे मिल गई तो मैं आईएएस बन जाऊंगा, ठीक है, और एक ये वाला होता है जो सड़कों पे यू यू नाचते फिरते हैं, समझ गए। तो हर तरह के लोग होते हैं। एनसीटीटीए पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? मोदी दानी ने जीता है। किस बैंक ने संघ उन्नति और संघ समृद्धि का शुभारंभ किया है? यूनियन बैंक ने किया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, किस राज्य ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13.4 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? राजस्थान ने दी है, ठीक है। हाँ वही तो धूम मचाले वाला फोन था, सही कह रहे हो यार, मैं भी उसी फोन को चलाती थी, है ना। इतनी तो वैकेंसी भी नहीं आती है जो सब आईएएस बन जाए, वो भी सही बात है। तो तुमको तुमको एक ही सीट चाहिए ना बेटा, तुमको एक ही सीट, तुम इतना सोच के चलो, तुम बस इतना सा सोच के चलो। क्या नाम है तुम्हारा? हिमांशु शर्मा। तुमको एक ही सीट चाहिए, भार नहीं देना सब कुछ, तुमको एक सीट चाहिए, तुम उस एक सीट के लिए मेहनत करो। बस तुम इतना सोच लो कि चाहे जितनी भी भीड़ हो, मेरी वो सीट कोई मेरे से नहीं छीन सकता। फिर तुम देखो क्या होगा, शराबियों को देखे हो, जैसे ही बारात में पहुंचते हैं तो सबसे पहले भले ही पैसा हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो घर से ही 100 रुपए लेके आएगा, शराब की दुकान वो कहीं पर भी ढूंढ लेगा, है ना। किसी भी नए शहर में जाके भी वो बारात में नाचने से पहले शराब की दुकान ढूंढ ही लेता है। उसी तरीके से तुम जो है, तुम सही ढंग से अपने लक्ष्य की तरफ जाओ, देखो तुमको तुम्हारा लक्ष्य मिल जाएगा। शराबी और अभी का थोड़ा सा जो है तुम लोग को देना पड़ता है, वो क्या कहते हैं एग्जाम्पल, समझ गए। चलो देखो नेक्स्ट, तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। दक्ष कोस्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कौशल विकास से संबंधित है, ठीक है क्या। उच्च समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए किस संगठन ने पहली संधि को अपनाया है? संयुक्त राष्ट्र। उच्च उच्च सागर, उच्च सी क्या होता है? हाई सी। हाई सी ध्यान रखना, किसी भी देश की एक सीमा होती है समुन्द्र की, समुन्द्र की एक सीमा होती है 200 नॉटिकल माइल तक ये रहता है। 200 नॉटिकल माइल के तुम पार अगर चले गए तो वो किसी भी देश की सीमा में नहीं आता है। तो मतलब क्या है, अंतरराष्ट्रीय कितने भी देश हो सभी का अधिकार होगा वहां पर, वो किसी के अंडर नहीं आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, देखो फटाफट नेक्स्ट है वन लाइनर, हम लोग फटाफट वन लाइनर देख लेते हैं। यहाँ पर मैं तुम लोग को कुछ गवर्नर जनरल्स के बारे में बताऊंगी जो एक लाइन में तुम लोग को याद हो जाएगा। देखो कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी? लॉर्ड वेलेजली ने करवाई थी, ठीक है। नरबली प्रथा, नरबली एक प्रथा थी बेटा, ध्यान रखना, नरबली प्रथा जो है इसका अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने की। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई बेटा? वारेन हेस्टिंग के उसमें हुई थी। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इस साल अक्टूबर तक हमारी जनगणना का जो डेटा है वो चला आएगा। हर 10 साल में जनगणना होती है और पहली बार जनगणना किसके काल में हुई थी बेटा? ये हुई थी लॉर्ड मायो के काल में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मायो के समय में हुआ था। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? लॉर्ड कर्जन के काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्या है, देखो मध्य प्रदेश के किस जिले में सिकल सेल कैंप का उद्घाटन किया गया है? मंडला में किया गया है। मंडला में क्या किया गया है? हाँ 1881, ठीक है 1881। नेक्स्ट देखो, विलियम फोर्ट कॉलेज फॉरेस्ट एग्जाम में आया था पेपर में, बिल्कुल रवि आया था ना, बस तो पढ़ते रहो तुम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। किस राज्य ने गोधन न्याय योजना शुरू करी? झारखंड। ध्यान रखना एक चीज का, झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी ये वाली योजना चलाई जा रही, गोधन न्याय योजना। इसमें गोबर को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, गोबर को खाद के रूप में अगर इस्तेमाल किया जाए ना बेटा तो जमीन और उपजाऊ हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से गोबर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा यहाँ पर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या, देखो कौन सा राज्य भारत के पहले मोटो जीपी इवेंट की मेजबानी करेगा? पहली बार भारत में मोटो जीपी इवेंट हो रहा है। जीपी का मतलब है ग्रैंड प्रिक्स और मोटो मोटो का मतलब है मोटर, हायरे मेरी मोटो वाली मोटो ये नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा, पहली बार हो रहा है, बाइक रेस होगा, बाइक रेस उत्तर प्रदेश में। मैं जरूर जाऊंगी अगर मौका मिला तो, गोबर से लीपा पोती होती है मैम, हाँ दिवाली में लीपते हैं ना गोबर। चलो ठीक है, देखो रथ बनाने के लिए सोने की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किस राज्य में किया जाता है? ओडिशा में किया जाता है। ओडिशा में रथ यात्रा चल रही है, 30 तारीख तक चलेगी, इसका ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है। चलो 1972 में पहली बार हुई थी, उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं रह पाया था। कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए 1881 में उसको पहली बार किया गया। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि नॉर्मल जनगणना कब पहली बार हुई थी, बोलना 1872 में, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं थी, ठीक है। कंटिन्यू जनगणना कब से शुरू हुई थी? 1881 से शुरू हुई थी।
विश्व में सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा बन गया है? यूरोप बन गया। यूरोप सबसे तेजी से गर्म हो रहा है दुनिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से। G20 श्रम सगाई शिखर सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? यहाँ पर बिहार में किया गया है। बिहार की कैपिटल पटना है और बिहार को पहले के समय में क्या बोला जाता था बेटा? मगध बोला जाता था। मगध साम्राज्य तुम्हारा बिहार में ही स्थित था। बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी स्थित थी जिसको बनाया था कुमार गुप्तवन ने, जिसको तोड़ दिया था किसने? जिसको तोड़ दिया था बख्तियार खिलजी ने। 3 महीने तक वो यूनिवर्सिटी के अंदर आग जल रही थी क्योंकि वहां पर खूब सारे किताब थे जिन किताबों को जलाने में 3 महीने लग गए थे। ठीक है, विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, इसको हम रिफ्यूजी डे भी बोलते हैं। गुड मॉर्निंग शिवानी बेटा, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट देखो, कमला सोहोनी पीएचडी डिग्री हासिल करने वाली पहली महिला बनने वाली मध्य प्रदेश के किस जिले की थी? इंदौर की थी, इंदौर की। इंदौर में उनका जन्म हुआ था 1911 में बेटा। ये इनकी फोटो है, इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाली ये पहली महिला थी पूरे भारत की। गांधी शांति पुरस्कार की राशि कितनी है? बहुत चर्चा में था, बहुत चर्चा में था, बहुत ज्यादा चर्चा में था गांधी शांति पुरस्कार। क्यों चर्चा में था? ये जिसको दिया गया है ना, ये एक किताब छापने वाली प्रेस को दिया गया। पब्लिकेशंस नहीं होते, प्रेस नहीं होते, उनको दिया गया, न्यूज़पेपर किताब जो छापते हैं। गुड मॉर्निंग। ओ भाई, तुम्हारा नाम लू लू नाम कलुआ छोरा, कलुआ छोरा, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है तुम्हारा, वाह वाह वाह। चलो ठीक है, निखिल मोया, तुम्हारे लिए मैं एक लाइन बोलती हूँ। पीडीएफ पीडीएफ सब करे, पीडीएफ पढ़े ना कोई, जो कॉपी में नोट्स बनावे सफलता उसी की होए। समझ गए, पीडीएफ तुमको मिल जाएगा, कॉपी में नोट वोट भी बना करो, है ना। देखो टेलीग्राम चैनल है सीएमसी इंदौर, ठीक है, उसे मिल जाएगा पीडीएफ तुमको। गांधी शांति पुरस्कार की राशि कितनी है? 1 करोड़। ओ भाई, आज तो लाइक ही नहीं किया बच्चों ने, लाइक कर दो फटाफट, फटाफट लाइक कर दो। देखो 100 लाइक चाहिए मुझे, सिर्फ 100 लाइक, फिर हम जो है फिर जो है हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, 100 लाइक, चलो फटाफट कर दो। IMD ने किस राज्य के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया? असम के लिए, क्योंकि असम में बाढ़ जैसे हालात अब क्या है बन चुके हैं। शांति, हाँ, गीता प्रेस को मिला है। गीता प्रेस गोरखपुर में है, काफी साल हो गए हैं। 10 रुपए के कमरे से उन्होंने शुरुआत करी थी, 10 रुपए किराया था उस कमरे का, वहां से शुरुआत करी थी। तुम्हारे घर में जो भागवत गीता रखी है ना, वो गीता प्रेस से ही छप कर आई होगी, देखना। ज्यादातर पूरे भारत में जो भागवत गीता छप रही है, वो गीता मतलब जो बट रही है, जो लोगों के घर में है, वो गीता प्रेस में ही छप कर आई है, ठीक है, गोरखपुर में है। इसको गांधी पीस अवार्ड दिया गया, इसको लेकर जो है विपक्ष दल बहुत ज्यादा हंगामा कर रहे हैं कि क्यों दिया जा रहा है। साथ में यहाँ पर इन्होंने गीता प्रेस ने बोला, हमको 1 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, हम पुरस्कार ले लेंगे लेकिन पुरस्कार की राशि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। बढ़िया शायरी है ना, सही बात है ना। पीडीएफ कोई पढ़ता नहीं है, बस डाउनलोड कर लेते हैं, बस उसको देख लेंगे एक बार, लेकिन नोट्स जो तुम लोग बनाते हो वो तुम्हारे काम आता है, ठीक है। शुभी मुनिया, सही है ना, चलो ठीक है। आज अब भारत रत्न लेकर मानोगी, अरे उतनी कहां हमारी वो यार। आईजी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए एमडी कौन बने? कमल किशोर बने। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवादी साजिद मीर को ब्लैकलिस्ट करने के प्रस्ताव को रोक दिया? ब्लैकलिस्ट करने के प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशन में एक ही बदतमीज रोक सकता है, उसका नाम है चाइना। साजिद मीर जो है ये हमारे 26/11 के अटैक में शामिल था, भारत और यूएसए इसको ब्लैकलिस्ट करने के चक्कर में थे। मैंने तुमको समझाया था, अगर ये ब्लैकलिस्ट हो जाता इसकी सारी संपत्ति फ्रीज हो जाती, कहीं घूम नहीं पाता, लेकिन यहां पर चाइना ने बदतमीजी करके जो है वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया और ये ब्लैकलिस्ट होने से बच गया। फटाफट लाइक कर दो। स्वेज नहर भूमध्य सागर को निम्नलिखित में से किससे जोड़ती है? स्वेज कैनाल ज्वाइंस मेडिटेरेनियन सी विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? रेड सी, लाल सागर से जोड़ता है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, योग सूत्र के लेखक कौन थे? पतंजलि। पतंजलि ने एक किताब लिखी थी जिसको महाभाष्य बोला जाता है। और एक चीज, पतंजलि को जानते हो क्या बोला जाता था? इनको शेष नाग बोला जाता था। पतंजलि को क्या बोला जाता था? शेष नाग बोला जाता था, ठीक है क्या? चलो ठीक है, हम नोट्स बनाते हैं, गुड गुड, चलो ठीक है, फटाफट लाइक कर दो, है ना। भारत में हवाई अड्डे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगी। और भी काफी सारे हवाई अड्डे हैं, एयरपोर्ट्स हैं जिनके नाम यहाँ पर नहीं होंगे। हवाई अड्डों के भी निकनेम है बेटा, ठीक है। जैसे तुम्हारा, जैसे मेरा निकनेम मोना है, मेरा रियल नाम क्या है? जयश्री है। ओ माय गॉड, मैंने बता दिया, ठीक है क्या, वो फ्लो फ्लो में निकल गया। तो वैसे ही तुम्हारा भी कुछ ना कुछ निकनेम होगा। लड़कों का छोटू होगा घर का नाम, बाहर का नाम कुछ और होगा। लड़कियों का पिंकी होगा घर का नाम, बाहर का नाम कुछ और होगा, ठीक है। उसी तरीके से हवाई अड्डों का भी नाम होता है, दो नाम होते हैं। एक देखो मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तुम्हारा हैदराबाद के हवाई अड्डे को बोला जाता है।
गोपीनाथ बोरदोलोई हवाई अड्डा किसको बोला जाता है? गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट, ये किसको बोला जाता है? गुवाहाटी एयरपोर्ट को। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये किसको बोला जाता है? नई दिल्ली। भारत का सबसे बिजी एयरपोर्ट यही वाला है, सबसे बिजी एयरपोर्ट। ठीक है, रोज शायरी बोला करो। बिल्कुल बिल्कुल, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। केम्पे गोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु वाले को बोला जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा मुंबई एयरपोर्ट को बोला जाता है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ एयरपोर्ट को बोला जाता है। चलो नेक्स्ट देखो, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? स्वामीनाथन जानकी रमन को यहाँ पर नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? वीरांगना दुर्गावती, सातवां टाइगर रिजर्व ये बनने वाला है। पनामा में प्रथम भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुमित सेठ को नियुक्त किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, किरू निकनेम है। अच्छा, किरण को किरू बोलते हैं, किरण वाली किरू है अपनी। देखो किरू बेटा, देखो यहाँ पर, ठीक है ना। हु विल बी ऑनर्ड विद प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर अवार्ड? तो आचार्य एन गोपी, है ना। नेक्स्ट देखो क्या है, किस संगठन ने डिटॉक्स डे पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक सब्सिडी का पुनरुद्देश जारी किया है? विश्व बैंक। बस इसमें इतना से याद रखना, ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, फिर भी मैं जो ये मैं काट ही देती हूँ, ये क्वेश्चन काम का नहीं है, बट एक बार बस देख लो। विश्व का रामायण मंदिर किस जगह बनाया जा रहा है? देखो यार, राम मंदिर और रामायण मंदिर में बेटा फर्क है। रामायण मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा बोला जा रहा है, ये जो कंबोडिया में जो अंकोरवट मंदिर है ना, उससे भी बड़ा होगा, ये बिहार में बनाया जा रहा है। ठीक है, और राम मंदिर हमारा अयोध्या में उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, आपने मोना की याद दिला दी। कौन सी मोना? अरे यार, चलो ये वाला नोट्स बना ले क्या? ये खूब सारा है बेटा, ये तो तुमको पीडीएफ मिल जाएगा। तुमको अगर कुछ ऐसा लग रहा है, देखो मैं सिर्फ ये लाइन तो नहीं पढ़ती हूँ, मैं तुमको एक्स्ट्रा जो जानकारी देती हूँ ना, उसके नोट्स बनाते रहा करो, जो एक्स्ट्रा जानकारी तुमको मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? पेट्री ओर्पो को चुना गया है। अन्न भाग योजना किस राज्य में? अच्छा, फिनलैंड को झीलों का शहर भी बोला जाता है, झीलों का देश। ठीक है, फिनलैंड को क्या बोला जाता है? झीलों का देश भी बोला जाता है। हमारा निक नेम नहीं है, ओह माय गॉड, तुम्हारा निक नेम तो रख भी नहीं पाऊंगी मैं। यमराज तो तुम्हारा नाम ही है बेटा, क्या रखूं मैं तुम्हारा? यम, ठीक है, यम तुम्हारा निक नेम। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, पृथ्वी पर कौन सा दिन सबसे बड़ा दिन माना जाता है? 21 जून, 21 जून पृथ्वी में सबसे बड़ा दिन माना जाता है। क्यों माना जाता है? इस दिन कर्क रेखा पर सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है। क्या पड़ती है? कर्क रेखा पर सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है। और हमारा जो 22 दिसंबर है वो सबसे छोटा दिन माना जाता है। 22 दिसंबर क्या माना जाता है? सबसे छोटा दिन माना जाता है। ठीक है, मेरा है निक नेम, बताओ सब अपना अपना निक नेम बताओ, चलो फटाफट। अच्छा, लाइक कर दो, है ना, 100 लाइक हो जाए बस मैं खुश, 100 लाइक बस। चलो, गुड मॉर्निंग बेटा रिवील, आज लेट हो गए तुम। योग के माध्यम से अपने देश को बढ़ावा देने वाली दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? दुनिया का पहला देश जिसने योग के माध्यम से अपने देश को प्रमोट किया है ना, बताओ इसका आंसर। अम्मा, ओ माय गॉड, अम्मा, अरे मैं बहुत खुश रहती हूँ बेटा, मैं तुम लोग को जैसे ही पढ़ाने आती हूँ मैं खुश हो जाती हूँ। ठीक है, सन्नू मेरा नाम है, मोनू मेरा नाम है, और बताओ मेरा है ना मैम निक नेम, बताओ निक नेम बताओ, मेरा निक नेम है राम। अच्छा, और कमांडो है अर्जुन राम का निक नेम, ठीक है। मोटू मेरा निक नेम है, मोटो तो नहीं है, मेरा काजू निक नेम है, रिवेल का काजू है। ठीक है, आलूडो मेरा निक नेम है, पुतिन पुतिन बाबा का। चलो ठीक है, और चलो ठीक है, ठीक है, बताते जाओ। ओमा, अच्छा ओमान तो नाम है, चलो ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग के किस राज्य में परिसीमन के लिए मसौदा प्रस्ताव प्रकाशित किया गया? असम के लिए प्रस्ताव प्रकाशित किया गया। ठीक है, मेरा आशु है, क्या बात है। माई निक नेम कृष, उड़ते भी हो क्या? उड़ते हो कृष, उड़ते हुए कभी आना यार, मैं देखना चाहती हूँ। ठीक है यार, चलो आशु आयम भूत, क्या बात है। अच्छा, भूतों का भी निकनेम होने लगा है, कोई बात नहीं। देखो, भारतीय सेना ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अग्नियास्त्र के अभ्यास को शुरू किया है? तो लद्दाख में शुरू किया, इंडियन आर्मी ने शुरू किया, ये याद रखना। मोना एक्स मेरा निकनेम है। अच्छा, पलुआ छोरा निकनेम, हाँ वो तो देख रही हूँ मैं। चलो ठीक है, गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हसमुख अधिया को। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ना, 2023 में भारत की रैंकिंग 127वीं रही है। भारत की क्या रैंकिंग रही है बेटा? 127वीं रही है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देखो। हाँ, इंडियन आर्मी के जो चीफ है उनका नाम है जनरल मनोज पांडे। ठीक है, अच्छा, भारत में देखो तुम लोग, अब ये वाला तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ में कहाँ ढूंढते फिरोगे, बिल्कुल भीड़ में तुम लोग
यहाँ देखो, यहाँ स्क्रीनशॉट इसलिए बोल रही हूँ, भारत में तुम लोग सिर्फ एक ही सूर्य मंदिर को रट के बैठे रहते हो, अभी दो तीन को फिर भी रट लिए होगे। अच्छा सुरभि नाम है, ठकुराई नहीं आती है, हाँ पता नहीं कहाँ गई, चलो राजवीर है, राजवीर पागल, चलो ठीक है। यहाँ देखो तुम लोग एक ही सूर्य मंदिर पढ़े हो, बहुत सारे सूर्य मंदिर है बेटा भारत में, ठीक है, बहुत सारे हैं, उनके नाम और वो जगह बता दे रही हूँ मैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर सबको पता है उड़ीसा में, ओसियां का सूर्य मंदिर राजस्थान में है, ओसिया सूर्य मंदिर कहां पर है, राजस्थान में है, मोधेरा सूर्य मंदिर गुजरात में है, मार्तंड का सूर्य मंदिर कश्मीर में है, कटारवल मंदिर ये भी सूर्य मंदिर है बेटा, ये उत्तराखंड में है, सूर्य मंदिर एक और है ग्वालियर में है, इसका कोई नाम नहीं है, इसको सिर्फ सूर्य मंदिर बोला जाता है, सूर्य नारायण मंदिर तुम्हारा आंध्र प्रदेश में है, और तुम्हारा सूर्य नार कोविल मंदिर तमिलनाडु में है, ठीक है। सूर्य भगवान को हमेशा जल अर्पित किया करो, तुम्हारा जो तुम्हारी जो किस्मत है ना वो खुल जाएगी, और तुम्हारे जो बार 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 रुकावटें आ रही है, कई बच्चों का क्या होता है एक आध नंबर से हर बार पेपर रुक जाता है, बोला जाता है सूर्य देवता को जल चढ़ाने से ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, ठीक है। मेरा नेम ओयो है, अरे बाप रे तुम्हारा नाम बहुत खतरनाक है बेटा, बहुत ज्यादा एकदम खतरनाक नाम है तुम्हारा ओयो, है ना। चलो वैलेंटाइन डे के दिन बहुत बिजी रहते होगे तुम। चलो देखो, भारत ने किस देश से 200 फाइटर जेट इंजन खरीदने का निर्णय लिया है, अमेरिका से। नेक्स्ट है, जिन्होंने सबसे अधिक संख्या में योग करने वाले, सबसे अधिक संख्या में योग करने वाले इनके साथ, एक प्रधानमंत्री है जिनके साथ सबसे बड़ी संख्या में योग करने वाले जो है लोग बन गए हैं, और यहाँ पर जो इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना लिया, हमारे भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, यूनाइटेड नेशन में संयुक्त राष्ट्र में जाकर इन्होंने योग किया है। मेरा नाम शिव प्रकाश, हंस रहे हो, हंस लो, ठीक है, तुम्हारे ही दिन है अभी बेटा। चलो लाइक कर दो फटाफट, फटाफट लाइक कर दो, ठीक है। विश्व शांति दिवस किस दिन मनाया था, 21 जून को मनाया जाता है। जनरल फान गियांग किस देश के रक्षा मंत्री है, जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया है, वियतनाम के रक्षा मंत्री है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में कथक पाठशाला संभावना का आयोजन किया गया है, यहाँ पर रीवा में आयोजन किया गया। अच्छा मेरा नाम बुद्ध है, चलो ठीक है, सही बोली ना, अब नाम ही ऐसा रखते हो, मैं भी क्या ही करूं, मेरे मुंह से निकल जाता है यार। चलो लाइक कर दो फटाफट, देखो 20 लाइक बचे हैं, वो हो जाएगा अभी, अब भी हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। किस संगठन ने DAYNULM दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ भागीदारी की है, UNDP संयुक्त राष्ट्र क्या विकास प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग छोटू, देखो छोटू आ गया, देखा, चलो देखा रवि, सही बोला ना, नाम ही ऐसा है यार, निकल जाता है मुंह से, है ना। क्या एक बच्चे ने बोला था, देखा था, अरे गलती हो गई, जवान फिसल गई मेरी, कुछ ऐसा ही है। तवांग मैराथन का आयोजन कौन सा राज्य करेगा, अरुणाचल प्रदेश तवांग मैराथन का आयोजन करेगा, है ना, अरुणाचल प्रदेश करेगा। इसमें चार कैटेगरीज होंगी, 5 किलोमीटर का होगा, 10 किलोमीटर का होगा, 21 किलोमीटर का होगा, और 42 किलोमीटर का होगा। सुरभि थैंक्स, ठीक है, मेरा नाम मिल्खा सिंह। अच्छा चलो, दौड़ते भी हो या ऐसे ही खाली नाम रख लिया, यू आर वेरी चालाक ब्रो। अच्छा तुम वही तो नहीं हो है जो हर वीडियो में कमेंट करता है यू आर वेरी चालाक ब्रो। चलो रमेश सैनी, गुड मॉर्निंग बेटा। त्रिदाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है, अहमदाबाद में। क्या देखो तुम्हारा क्या नाम है, रुको रुको रुको, तुम्हारा नाम क्या है, अभी किसी बच्चे ने मुझे गुड मॉर्निंग सर बोला। देखो मैडम को तुम गुड मॉर्निंग सर बोलोगे ना तो ये कोई दिक्कत नहीं है, मैडम को चल जाएगा, लेकिन कभी गलती से भी सर को गुड मॉर्निंग मैडम मत बोलना, बहुत दिक्कत हो जाएगी, समझ गए क्या। देखो नहीं, देखो यहाँ पर अगर नहीं दिखाऊं मैं, निम्नलिखित में से किसने स्काई ट्रैक्स 2023 विश्व एयरलाइन पुरस्कार जीता है, तो ये स्टार एयरलाइन ने जीता है। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ। ये स्किन बैंक है, स्किन बैंक जैसे मान लो किसी की स्किन अगर जल जाती है, फट जाती है ना, कुछ भी हो जाता है और वो सही नहीं हो पा रही है, तो स्किन को ट्रांसप्लांट करवाया जा सकता है, ठीक है। जेंडर चेंज, हाँ वही कह रही हूँ, गलती से ही मुंह से मत निकालना। चलो नेक्स्ट देखो, पॉलिटेक्निक चलो अभियान किस राज्य ने शुरू किया है, उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। इसमें होगा क्या, इसमें होगा कुछ भी नहीं, होगा ये कि पॉलिटेक्निक कॉलेजेस जो होते हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा एडमिशन लेने के लिए बच्चों को जो है वो इन्फ्लुएंस किया जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, कैनेडा पैरा इंटरनेशनल 2023 में सिल्वर मेडल जीतने वाले प्रमोद भगत किस खेल से जुड़े हैं, मैं तुम लोग को बता रही थी ना अभी, सुनील छेत्री के बारे में पूछ लिया गया था किस खेल से जुड़े हैं, ऐश्वर्य प्रताप सिंह के बारे में पूछा गया है किस खेल से जुड़े हैं, ठीक है। नीरज चोपड़ा का तो पूरी दुनिया को पता है, वो तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, पर फिर भी कई बार पूछ लिया जाता है किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि
इनका नाम जब भी आए प्रमोद भगत, ठीक है, ये बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बनी है, इसका मतलब क्या है, मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है ना, सुनील छेत्री, हाँ वो फुटबॉल से जुड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ पर रिलायंस बनी है, ठीक है, कौन बनी है, रिलायंस। किस देश ने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण, लड़कियों का फेवरेट टेडी बियर, ठीक है, लड़कियों का फेवरेट टेडी बियर और इसका मैस्कट, ये मैस्कट बनाया गया है कहां पर बनाया गया है, तो जर्मनी में बनाया गया है, एक गेम का मैस्कट, जैसे कि तुम्हारा पेरिस ओलंपिक जो होने वाला है 2024 में, जो ओलंपिक होगा कहां होने वाला है, पेरिस में होने वाला है, तो उसका भी एक मैस्कट बनाया गया, उसका नाम तुम लोग मेरे को बताओगे, है ना। नेक्स्ट देखो, अंतरराष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय फटाफट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का मुख्यालय तुम्हारा तुम्हारा यहाँ पर है Washington DC में। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में है। विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, इसका मुख्यालय भी वहीं पर है, रोम इटली में ही है। याद रखना, खाने वाली चीजों का जो मुख्यालय होगा, दो संगठन है खाने से रिलेटेड, दोनों का कहां पर है, भंवरकुआ में। देखा, कब देख लिया, मैं भंवरकुआ में रहती नहीं हूँ, निकलती नहीं हूँ मैं, बिल्कुल नहीं निकलती हूँ मैं भंवरकुआ में, ठीक है, किसी और को देख लिया होगा, उसको तो नहीं देख लिया जो डांस कर रही थी यूं, क्यों है। नेक्स्ट देखो, नेटो का जो है, नेटो के चक्कर में क्या हो गया, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो गई, बहुत बार इस बारे में हमने डिस्कस किया है, ठीक है क्या, तो नेटो का मुख्यालय तुम्हारा बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जेनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जेनेवा में है। पेट्रोलियम उत्पादक देश यानी ओपेक का वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का वियना में है। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का लंदन में है। फटाफट देख लेते हैं बाकी के क्वेश्चन। कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश बना है, इस्टोनिया। तीन बाल्टिक कंट्रीज है, बाल्टिक सी के बगल में तीन देश है, इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ठीक है, तो यहाँ पर इस्टोनिया जो है, इस्टोनिया सेम सेक्स मैरिज को लीगल करने वाला पहला देश बन गया है। भारत का सबसे पुराना पोलो ग्राउंड किस राज्य में है, मणिपुर में है। दुनिया का सबसे पुराना पोलो ग्राउंड है ये, ठीक है। अच्छा फटाफट लाइक कर दो, मुझे दिखाना जरा, फटाफट लाइक कर दो, 100 लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है, 100 हो जाना चाहिए, 100 के बाद मैं वैसे भी डिमांड नहीं करती हूँ, है ना। देखो 97 तो हो गई, ठीक है। वैखानस गृह सूत्रम किस वेद में लिखा हुआ है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स में कौन सा शहर शीर्ष पर है, वियना शीर्ष पर है। लाइवेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, रहने योग्य शहर जहां पर तुम रह सकते हो। यहां पर इंडिया के मुंबई और दिल्ली की रैंकिंग 141 है, ठीक है, चलो 99 हो गए, एक बचा है बस। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्लाउड किचन नीति शुरू कर रहा है, दिल्ली शुरू कर रहा है। विट्ठल रुक्मिणी वारकरी बीमा छात्र योजना किस राज्य ने शुरू की, महाराष्ट्र ने शुरू की है। नेक्स्ट है, विच स्टेट आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड मीसोलिथिक एरा रॉक पेंटिंग यानी पुरातत्ववेत्ता ने मध्य पाषाणकालीन शयन चित्रों को खोजा है, कहां पर खोजा है, आंध्र प्रदेश में खोजा है। गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए किस राज्य ने LADCS लागू किया है, उत्तर प्रदेश ने लागू किया है। यहाँ पर क्या होगा, जो गरीब लोग हैं, जो वकील अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको फ्री में वकील दिया जा रहा है, ठीक है, कहां पर, उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की स्थल और खोजकर्ताओं के ये नाम है, हड़प्पा को दयाराम साहनी ने खोजा था, मोहनजोदड़ो को RD बनर्जी ने खोजा था, उसके बाद चान्हुदारो को NG मजुमदार ने खोजा था, लोथल को SR राव ने खोजा था। ये फटाफट पढ़ लो, देखो टाइम ज्यादा है नहीं, है ना, टाइम ज्यादा है नहीं, इसके बाद तुम्हारी एक और क्लास होने वाली है, तो मैं बता दे रही हूँ जल्दी जल्दी। कालीबंगा को बीबी लाल ने खोजा था, यहाँ पर काली चूड़ियां मिली थी, ध्यान रखना है। धोलावीरा को JP जोशी ने खोला था, यहाँ पानी से रिलेटेड काफी सारे तुम्हारे आर्किटेक्चर्स मिले थे। सूरपोटड़ा को बीबी लाल ने खोजा था। नेक्स्ट क्या है, देखो ग्वालियर के बेहट गांव का नाम बदलकर तानसेन नगर किया जा रहा है। कल तानसेन के बारे में मैंने तुमको एक कहानी भी सुनाई थी, है ना। भारत के किस देश के साथ इंडस एक्ट लॉन्च किया गया है, अमेरिका के साथ लॉन्च किया गया है। अबाधा योजना किस राज्य से संबंधित है, ओडिशा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने प्लेटफॉर्म नॉलेज शेयरिंग लॉन्च किया है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है क्या। चलो नेक्स्ट देखो, जर्मन बुक ट्रेड 2023 शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, सलमान रश्दी को, है ना। तजिंदर पाल सिंह किस खेल से जुड़े हैं, ये गोला फेंक, है ना, गोला फेंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शॉर्ट पुट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्ट पुट बोलते हैं। नहीं, 9 बजे तक क्लास नहीं बेटा, 9 बजे तक जरूरत ही नहीं पड़ती, वन लाइनर रहता है, आज ज्यादा कुछ समझाना रहता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, PV नरसिम्हा राव किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, जो भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने, आंध्र प्रदेश के। किस राज्य ने अनिवार्य योग शिक्षा की घोषणा करी है, मध्य प्रदेश ने, है ना। मरीजों को लंबी कतार से बचाने और ऑनलाइन सुविधा देने में एम्स भोपाल देश में कौन से नंबर पर है, 3रे नंबर पर। यूनिटी मॉल का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा, नागालैंड में किया जाएगा। राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे ज्यादा लोगों के एकत्र होने का गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड सूरत ने बनाया है,
है। नेक्स्ट है, मनीषा कीर किस खेल से संबंधित है? यूरोप से, शूटिंग से संबंधित है। चलो यहाँ पर प्रथम पुरस्कार और विजेता तुम लोग देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो अब दो क्वेश्चन बचे हैं, देख लो फटाफट। निम्नलिखित में से कौन स्टार्टअप इकोसिस्टम विश्व सूची में शीर्ष पर है? तो सिलिकॉन वैली है। और आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर कौन नहीं है? तो एमके जैन नहीं है, ठीक है। चलो लास्ट का बहुत ज्यादा फास्ट फास्ट करना पड़ा, कोई बात नहीं। और जो है क्विज के आंसर दे देना। देखो क्विज का क्वेश्चन देखो, लोथल वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ठीक है, लोथल जो है वो कौन से नदी के किनारे बसा था? वेयर इज मार्तंड सन टेम्पल? मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर है? चलो इसके बाद कहीं पर जाना नहीं है तुम लोगों को, नीचे दिख रहा है ना। साक्षी मैम की क्लास है, साइंस की क्लास है, कॉन्स्टेबल का पेपर आ रहा है, बेहतरीन ढंग से तैयारी करवाएंगी वो। आज उनका कितने घंटे का, 4 घंटे का क्या? 4 घंटे का मैराथन है, कहीं नहीं जाना है। उठ जाओ, मुंह धो लो, ब्रश कर लो, नाश्ता कर लो और बैठ जाओ, ठीक है। बहुत बेहतरीन ढंग से जो है आज तुमको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे साइंस के, और यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों है ना, तीनों रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाएंगी वो, बिल्कुल कहीं नहीं जाना है, ठीक है। चलो सीएमसी इंदौर ऐप को डाउनलोड कर लेना, और जो है ये सारे हमारे तुम्हारा टेलीग्राम चैनल और तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। हैव अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।